फ्रेंड्स लुक एट दिस थर्ड क्वेश्चन फर्स्ट और सेकेंड पार्ट ऑफ प्रिविजन एक्सरसाइज का ऑलरेडी कर चुके हो अ स्कूल लाइब्रेरी हैज़ अ कलेक्शन ऑफ ट्वेंटी फाइव थाउजेंड फोर हंड्रेड थर्टी सेवन बुक्स एक स्कूल लाइब्रेरी है उसमें कलेक्शन है इतनी बुक्स के इतने बुक्स उस लाइब्रेरी में है द मैनेजमेंट ग्रांटेड अ सेंक्शन ऑफ ट्वेंटी सिक्स थाउजेंड फोर हंड्रेड फिफ्टी सिक्स मोर बुक्स टू अ लाइब्रेरी Uh, जो मैनेजमेंट है उसने ग्रांट दिए है ग्रांट सेंक्शन किए इतनी और बुक्स के लिए ओके एंड हाउ मेनी बुक्स आर देयर इन टोटल इतनी लाइब्रेरी सेंक्शन के करने के बाद इतनी बुक्स और आ गई हैं और फर्स्टली जो थी वो बुक्स मतलब अगर आपको टोटल बुक्स निकालनी है तो आप दोनों को ऐड करोगे इस क्वेश्चन को आप किस वे से करोगे ये देखना फर्स्टली फर्स्ट लाइन में आप लोग क्या लिखोगे कलेक्शन ऑफ द बुक्स इन अ लाइब्रेरी कलेक्शन जो आपकी बुक्स की वो लाइब्रेरी में कितनी है ट्वेंटी फाइव थाउजेंड फोर हंड्रेड थर्टी सेवन फर्स्टली आप लोगों ने कलेक्शन लिख दी अगेन नंबर ऑफ़ मोर बुक्स एडेड एन लाइब्रेरी और कितने बुक्स लाइब्रेरी में ऐड हुई हैं ऐड कितने हुई हैं आफ्टर द सेंक्शन ट्वेंटी सिक्स थाउजेंड फोर हंड्रेड फिफ्टी सिक्स नाउ टोटल नंबर ऑफ़ बुक्स टोटल नंबर ऑफ बुक्स कितनी हुई आफ्टर द एडिशन यू गॉट नंबर 51,893 जो बुक्स हैं वो लाइब्रेरी में हैं ऑलरेडी अब आफ्टर द सैंक्शन। नाउ एक्सरसाइज 2.1 फाइंड द सम सम मतलब आपने एडिशन करनी है इन क्वेश्चन की फर्स्टली मैंने थ्री क्वेश्चन उतारे हैं ए और बी पार्ट यही पे थर्ड क्वेश्चन फॉर योर होमवर्क नाउ फर्स्ट क्वेश्चन जब भी आपने एडिशन करनी है लाइक रिविजन एक्सरसाइज मैंने आपको बताया था अपने जब भी डिजिट्स लिखने हैं वो एक डिजिट दूसरे के नीचे होना चाहिए ओके okay? तभी आपके एडिशन में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी आप इजीली ऐड कर सकते हो एंड वन मोर थिंग आप एडिशन करते हुए आप कॉमर्स को स्किप कर सकते हो कॉमर्स को स्किप करते हुए आप सिंपली ऐड करो एंड जब भी आंसर लिखना है उसमें आप कॉमर्स लगा लो जिस नंबर सिस्टम के अकॉर्डिंगली यहाँ पे क्वेश्चन में कॉमर्स नहीं है इंडियन के अकॉर्डिंग इंटरनेशनल के अकॉर्डिंग सेम वे से आप लोग कॉमर्स अपने आंसर्स में लगा सकते हो ओके नाउ पार्ट टू देखो पार्ट टू में फर्स्ट क्वेश्चन फर्स्ट वाला ये जो टर्म है इसमें आपको विजिबल ये कि ये फाइव डिजिट की टर्म है एंड नेक्स्ट जो टर्म है ये आपके कितने डिजिट की टर्म है ये सिक्स डिजिट की टर्म है तो इसे हमने बहुत ही केयरफुली लिखना है लाइक फर्स्टली अब एक हमने टर्म लिखी फर्स्ट टर्म फाइव डिजिट की है जो एक टर्म इस ये जो ये टर्म है ये सिक्स डिजिट की इट मीन्स एक डिजिट एक्स्ट्रा है वो एक्स्ट्रा डिजिट वो आपका एक लेफ्ट साइड में आ जाएगा ओके okay? अदरवाइज आप ये भी कर सकते हो लास्ट डिजिट से लिखना शुरू करो एट सेवन जीरो एट सेवन जीरो तो जो डिजिट एक्स्ट्रा बचेगा वो लेफ्ट साइड में ही आएगा आपकी ब्लैंक स्पेस जो होनी चाहिए वो लेफ्ट साइड में ही होनी चाहिए तभी आपका क्वेश्चन करेक्ट होगा तो ये आपका जो डिजिट है ये भी आप लास्ट से लिखना शुरू करोगे फर्स्टली आपने लिखा थ्री देन थ्री टू फाइव जो भी ब्लैंक स्पेस बची वो आपकी बची लेफ्ट साइड में इट मीन्स आप क्वेश्चन को सही वे से कर रहे हो तो इसके बाद आप लोगों ने एडिशन करना है डिजिट्स लिखते हुए आप लोगों ने ये ध्यान रखना है कि आपका जो एक डिजिट है वो दूसरे के बिल्कुल नीचे आए सेम प्लेस में ओके एक दूसरे के बिल्कुल नीचे होने चाहिए आपकी स्ट्रेट लाइन फॉर्म होनी चाहिए तभी आपका जो आंसर है वो करेक्ट आएगा नेक्स्ट सेम वे से आपने नेक्स्ट क्वेश्चन भी किया है जब भी आपको ब्लैंक स्पेस बची है वो लेफ्ट साइड में ही बची है इट मीन्स आपने क्वेश्चन सही अटेम्प्ट किया है तो सिंपली आपने ऐड करना है विदाउट आपको मस लगा भी सकते हो इफ यू आर कंफर्टेबल अगर आपको किसी भी तरह की कोई कंफ्यूजन लग रही है तो आप कोमा को स्किप करते हुए जस्ट आंसर में लगा सकते हो ओके सेम इसी वे से आपने सेकेंड क्वेश्चन सेकेंड पार्ट करना है डिफरेंस फाइंड द डिफरेंस में आपने जो टर्म है वो लेनी है उन टर्म्स को सब्ट्रैक्ट करना है सब्ट्रैक्ट करते हुए आप ये ध्यान रखना चलिए आप बोरो करोगे लेफ्ट लग साइड से तो इस टर्म से आप लोगों को वन मिल गया ओके okay? ये थ्री से थर्टीन बन गया बट इस टर्म को इस टर्म में से वन माइनस करना आपने भूलना नहीं है उसे उसी टाइम कर देना है फर्स्टली जैसे देखो आपने एक टर्म ने उतारी फोर माइनस टू आपके पास आ गया टू फाइव माइनस फाइव जीरो थ्री बॉरो करेगा इधर से बिकॉज थ्री इज स्मॉलर देन सिक्स थर्टीन हो गया थर्टीन माइनस सिक्स सेवन आ गया देन अगेन सेवन माइनस वन सिक्स इलेवन माइनस नाइन ये बॉरो करके इलेवन होगा बिकॉज वन छोटा है नाइन से देन टू आ गया माइनस करके सेवन माइनस फोर थ्री सेम वे सेम है अगर आपकी कोई टर्म कम है यहाँ पे तो जो भी ब्लैंक स्पेस बचेगी वो लेफ्ट साइड में ही बचनी चाहिए सेम वे से आप सब्ट्रेक्शन करोगे प्रीवियसली ऑलरेडी आप लोगों ने जो सब्ट्रेक्शन की है क्वेश्चन वो सेम है जैसे इसमें एक डिजिट कम था तो वो जो ब्लैंक स्पेस बचे वो लेफ्ट स्पेस में ही बचिए लेफ्ट साइड में इसी तरह से आप करोगे तो आपके क्वेश्चंस करेक्ट होंगे नाउ आपको जस्ट मैं कॉन्सेप्ट समझाऊंगी कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस क्या होते हैं आपने सिर्फ यही समझना है फर्स्ट देखो कॉस्ट प्राइस इट इज अ प्राइस एट विच वन ऑब्जेक्ट इज बॉट ये वो प्राइस है जिस प्राइस के ऊपर किसी भी चीज़ को खरीदा जा रहा है ओके okay, तो उस प्राइस को आप क्या कहते हो उस चीज को आप कहते हो कॉस्ट प्राइस कि उस सपोज मैं एक मार्केट से पेन लेकर आई हूँ एक शॉपकीपर की आप कर, आ, देखो शॉपकीपर से आप एक बेटर एग्जांपल ले सकते हो सपोज़ एक शॉपकीपर ने एक पेन लिया उसने पेन परचेज किया है टेन रुपीज़ का ठीक है और वो सेम पेन अपने शॉप में आ रहे पर्सन को दे रहा है फिफ्टीन रुपीज़ का ठीक है तो वो कोस्ट प्राइस जिसमें उस शॉपकीपर ने खरीदा है टेन रुपीज़ उसका कॉस्ट प्राइस हुआ उस पेन का और जिस पैसे पे वो दुकानदार अपनी चीज को बेच रहा है तो वो उसका सेलिंग प्राइस होगा ओके okay? कोस्ट प्राइस जिसमें वो चीज़ खरीदी गई है इट इज़ अ प्राइस एट विच एन ऑब्जेक्ट इज बॉट इट इज रिटर्न एज सी पी नाउ सेलिंग प्राइस इट इज द प्राइस एट विच एन ऑब्जेक्ट इज सॉल्ड टू द कस्टमर कस्टमर को जिस चीज़ जिस प्राइस पे वो चीज़ उसने दी है ठीक है तो वो उसका हुआ सेलिंग प्राइस सपोज एक पर जो शॉप था उसने उस चीज़ को टेन रुपीस में एक पेन को प्रीवियसली खरीदा है किसी से ठीक है एंड और जो बेचा है उसने सी पी हो गया पोस्ट प्राइस, जिसमें दुकानदार ने चीज़ खरीद दी है टेन रुपीस में एंड एस पी सेलिंग प्राइस हो गया जिसमें उस दुकानदार ने वो चीज़ को बेच दी है सेलिंग प्राइस में देखो जब भी उसने बेचा ज़्यादा मैं खरीदा सस्ती थी और जब भी उस चीज की सेलिंग की है वो ज्यादा कॉस्ट में की है तो इस केस में उसको फायदा होगा फाइव रुपीज का फाइव रुपीज उसके अपने पास बच गए ना दैट्स कॉल्ड दट प्रॉफिट जब भी आपका एस पी बड़ा होगा सीपी से द डिफरेंस इज कॉल्ड प्रॉफिट जब भी आपका एस पी सी पी से बड़ा होगा तो उस डिफरेंस को आप क्या कहते हो प्रॉफिट आप अभी के लिए आप लोगों ने इतना ही अच्छे से समझना है आप वीडियो को रिपीट करके अच्छे से समझ सकते हो इस कॉन्सेप्ट को फिर अगेन